नमस्कार दोस्तों, मैं राजन दुबे आप सभी का आपके अपने चैनल माई पाठशाला पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो भाई लोग, टाइम हो गया है आपकी अग्नि परीक्षा का, क्योंकि घड़ी आपकी बजा रही है 10, और 10 बजे का सेशन होता है आपकी अग्नि परीक्षा सीरीज का। और ये सेशन बहुत दिनों से चल रहा है, 85वां लेक्चर है। आज हम अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये सेशन रोजाना 10 बजे होता है हम लोगों का एक साथ, और ये सेशन इसलिए किया जाता है कि हम अपने आप को चेक करते हैं कि हम कितने पानी में हैं, कितना हमने पढ़ा है, कितना हमें और पढ़ने की ज़रूरत है। और बेसिकली एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ हर दिन मैं एक नए सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेके आता हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके, आप ये जान सकें, अपने आप को समझ सकें कि कौन सा पोर्शन आपका बेहतर है और कहाँ पर आप कमज़ोर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के सेशन के 10 सवाल और भी बेहतरीन होने वाले हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पे। तो ये रहा इस सेशन का पहला सवाल, जो कॉमनली बहुत पूछा जाता है और आपको जानना भी चाहिए। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो भाई, चार राज्य आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर बांग्लादेश से सीमा आपको मिलानी है तो कन्फर्म है ये सीमा है स्थलीय। कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा है। और अगर भारत के स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा 15106.7, कितना? 15106.7 किलोमीटर है। और इसमें से बांग्लादेश वो देश है जिसकी की सीमा भारत के साथ सबसे अधिक मिलती है, 4096.7 किलोमीटर। कितना? 4096.7 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ है। और एक नहीं, पांच पांच राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं। तो कितने राज्य हैं? पांच राज्य इस बांग्लादेश की सीमा के साथ भारत की सीमा साझा करते हैं। वो पांच राज्य हैं कौन? तो सबसे पहले उसमें नंबर आता है बंगाल का। किसका? बंगाल का, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, एक राज्य ये हो गया। दूसरा नंबर आता है असम का। किसका? असम का। शायद ये दोनों विकल्प में नहीं है। अब तीन राज्य तो इसी विकल्प से मिलने वाले हैं, और आपका आंसर अगर आपको मिल जाए तो आपको वो तीनों राज्य मिल जाएंगे। जी हाँ, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। जी हाँ, ये भारत की सबसे बड़ी सीमा है किसी स्थल पे किसी देश के साथ, मतलब भारत का किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश, 4096। सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर की है। कितनी? 106 किलोमीटर की है। और वो सीमा मिलती है आपकी अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से। और वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लगी हुई सीमा है, जो भारत का अभिन्न अंग है, आने वाले समय में शायद भारत का अंग होगा। अगर ये बात मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये रहा आज के इस अग्नि परीक्षा का दूसरा सवाल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है? जी हाँ, नेशनल कैपिटल रीजन NCR की बात हो रही है। नेशनल कैपिटल रीजन, तो आपकी राजधानी तो नई दिल्ली है। नई दिल्ली के साथ साथ उसके अगल बगल के लगे हुए क्षेत्र को कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सा लगा है हरियाणा का। कहां का? हरियाणा का। हरियाणा के कुल 17 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, मतलब NCR में शामिल होते हैं। क्लियर? तो हरियाणा का क्षेत्र सम्मिलित है, और क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अब आ जाइए पंजाब। तो बिल्कुल सही, पंजाब का कोई भी जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग नहीं है। अभी तक प्रपोजल है, अभी घोषित नहीं हुआ है कि वो सम्मिलित किया जाए कि ना किया जाए। NCR में अभी नहीं सम्मिलित है। राजस्थान के दो जिले सम्मिलित हैं, अलवर और भरतपुर। क्लियर? तो राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश के भी काफी जिले सम्मिलित हैं, कुल 7 जिले यूपी के यहां पर सम्मिलित हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले, और उसके साथ साथ आपके राजस्थान के 2 जिले आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो ये 3 स्टेट के एरियाज आपके NCR में आते हैं। पंजाब का कोई भी हिस्सा NCR में शामिल
नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा पंजाब का भाग। क्लियर, चलिए अगले सवाल पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो भारत में भाई अरावली भी है, याद रहे अरावली भी है और हिमालय भी है, अरावली भी है और हिमालय भी है, तो हिमालय नवीनतम है और अरावली प्राचीनतम है। तो अगर आप भारत में चट्टान प्रणाली की बात करें, आपका चौथा सवाल है, तो चट्टान व्यवस्था में देखें तो सबसे पहले आपका प्री कैम्ब्रियन एज आता है, तो वहां पर प्री कैम्ब्रियन एज में कौन सी चट्टान आएगी। प्री कैम्ब्रियन एज में चार प्रकार की चट्टाने आती है, आर्कियन आती है, धारवाड़ आती है, कुडप्पा आती है और विंध्य आती है। प्री कैम्ब्रियन की बात करें तो सबसे पहले अरावली आपकी क्या है, ये प्री कैम्ब्रियन है, क्या है, प्री कैम्ब्रियन एरा की ये चट्टान है और इसमें तीन का चार प्रकार की चट्टाने आती हैं। वो चार प्रकार की कौन कौन सी हैं, एक है आर्कियन चट्टान, कौन सी, आर्कियन चट्टान, और आर्कियन के बाद दूसरी है आपकी धारवाड़, कौन सी, धारवाड़, आर्कियन के बाद धारवाड़ और धारवाड़ के बाद कुडप्पा, कौन सी, कुडप्पा क्रम की चट्टाने और इसके बाद विंध्य क्रम की चट्टाने आती हैं। तो प्री कैम्ब्रियन एज भारत की सबसे पुरानी चट्टान है जो अरावली आप देख रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो नया युग शुरू होता है, नया एरा शुरू होता है, इसे आप कहते हैं पैलियोजोइक एज, क्या कहते हैं, पैलियोजोइक एज। तो ये एक एज हो गया प्री कैम्ब्रियन, और इसके बाद अगर आप बात करें तो पैलियोजोइक एज, पैलियोजोइक एरा आता है, पैलियोजोइक एरा या पैलियोजोइक एज, इस एज में आपकी कौन सी चट्टान बनी जो दक्षिण भारत का, प्रायद्वीपी भारत का निर्माण हुआ और भारत के कुछ पूर्वी हिस्सों का भी निर्माण हुआ, प्रायद्वीपी भारत, और वो चट्टान कौन सी है, गोंडवाना। तो ये तीनों तो प्री कैम्ब्रियन है, गोंडवाना आपकी क्या है, पैलियोजोइक एज की चट्टान है, और इसके बाद का एरा कहलाता है मेसोजोइक, क्या कहलाता है, मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में भी भारत में चट्टानें बनी हैं और वो चट्टानें कौन सी हैं, वो चट्टानें हैं दक्कन ट्रैप, तो दक्कन का पठार, जी हां दक्कन का पठार आपका इस मेसोजोइक एरा का है। इसके बाद भी सेनोजोइक एरा आता है, कौन सा आता है, इसके बाद आता है सेनोजोइक एरा, और सेनोजोइक एरा में ही आपकी नवीनतम चट्टानें बनी है, हिमालय का निर्माण हुआ है, गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है, हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय बनने के बाद ही निकलेंगी और हिमालय बनने के बाद निकली तो उन मैदानों का भी निर्माण इसी सेनोजोइक एरा में हुआ। तो सबसे पुराना प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, विंध्य, कुडप्पा, धारवाड़, अब बचा गोंडवाना, कहां आ गया, पैलियोजोइक में, और इसके बाद मेसोजोइक में डेक्कन का पठार और सेनोजोइक में हिमालय और गंगा के मैदान या हिमालयी नदियों के मैदान बनते हैं। तो बेसिकली इन चारों में गोंडवाना आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, चलिए अगले सवाल पर। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हां तैयार हो जाइए बिल्कुल। निम्नलिखित में से भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह क्या है। तो भाई दो प्रकार के तंत्र यहां पाए जाते हैं, एक धारवाड़ है, एक गोंडवाना है, तो यहां पर गोंडवाना का जो एरिया है वो कोयला के भंडारण से प्रचुर रूप से भरा हुआ है, तो आपके भूमि के अंदर जो गोंडवाना की चट्टाने हैं वहां पर कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लियर, धारवाड़ में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा पर्वतीय दर्रा। जी हां इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चार दर्रे हैं इनको आपको मैच कराना है, सिपकीला हिमाचल प्रदेश, बामाडीला या इसे बोमडीला भी कहा जाता है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय और जोजिला जम्मू कश्मीर। तो इसमें जो मुझे गलत नजर आ रहा है वो सिपकीला, जी हां बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश में है, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, याद कर लीजिए, यह क्या करेगा, सिपकी इसे शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है, बामाडीला अरुणाचल प्रदेश में है, ल्हासा को तिब्बत से जोड़ता है, तो याद रहे ये ल्हासा को तिब्बत से जोड़ रहा है। क्लियर, ल्हासा तिब्बत को जोड़ रहा है, तो बेसिकली भारत और तिब्बत के मध्य ये भी हो गया।
अब आपका बचा तीसरा नाथुला, ये मेघालय में नहीं है बल्कि है कहां, ये है आपके सिक्किम में। कहां पर है ये? सिक्किम में है और ये भी भारत और तिब्बत को ही जोड़ता है। क्लियर, भारत और तिब्बत को ही जोड़ेगा, बिल्कुल हाँ। जो जिला लास्ट में आ गया ये जम्मू कश्मीर में है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो इन चारों में सी ऑप्शन आपका गलत है। क्लियर, चले अगले सवाल पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, आ जाइए। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतश्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? जी हाँ, पर्वतश्रेणियां भारत में तो भाई कई पर्वत हैं। आप हिमालय को ले लीजिए पहले, हिमालय की बात कर लें सबसे पहले, तो हिमालय जम्मू कश्मीर मतलब जे एंड के से शुरू होता है और अरुणाचल तक जाता है, तो मतलब उत्तराखंड में भी इसका विस्तार होगा, हिमाचल प्रदेश में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, नेपाल में भी फैला है, भूटान में भी फैला है, सिक्किम में भी फैला है और सेवन सिस्टर के सारे राज्यों में हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है, तो हिमालय विकल्प में भी नहीं है। आइए अरावली की बात करते हैं। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, प्री कैम्ब्रियन एज में यह बनी और काफी लंबी है, 800 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 800 किलोमीटर लंबी है। कहां से कहां तक है बड़ा प्रश्न ये है। तो अरावली की बात अगर आप करते हैं तो अरावली दिल्ली से शुरू होती है। कहां से? दिल्ली के रिज से। कहां से शुरू होगी? दिल्ली, दिल्ली के रिज एरिया से शुरू होती है और कहां तक जाती है? ये गुजरात तक जाती है और गुजरात में एक बहुत फेमस जगह है जिसका नाम आप जानते होंगे, पालमपुर। क्लियर, राजा हिंदुस्तानी देखी होगी तो पालमपुर जानते होंगे। जी हां, गुजरात के पालमपुर तक जाती है। क्लियर, दिल्ली के रिज से पालमपुर तक इसका विस्तार कितना है? 800 किलोमीटर। तो यह राजस्थान बीच में ही पड़ेगा, तो कई राज्य हो गए, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, यह तो नहीं हो सकता। सतपुड़ा की बात करें, सतपुड़ा बेसिकली मध्य प्रदेश में है, लेकिन यह सिर्फ मध्य प्रदेश तक विस्तारित नहीं है, मध्य प्रदेश के साथ साथ ये गुजरात, गुजरात तक इसकी श्रृंखलाएं हैं, मध्य प्रदेश में तो है ही है, छत्तीसगढ़ में भी है और थोड़ा सा इसका विस्तार जो है वो महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। कहां पर? महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। तो जी हां, क्लियर यहां कर देते हैं, महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार है। ये हो गई सतपुड़ा। अब बची आपकी अजंता और सह्याद्री। तो सह्याद्री आप अपनी पश्चिमी घाट को कहते हैं, सह्याद्री ही पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है और यह पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर लंबी यह पर्वत श्रृंखला है। शुरू कहां से होती है? यह नर्मदा नदी, नर्मदा नदी मतलब गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर से शुरू होती है, जाएगी कहां तक? यह जाएगी कन्याकुमारी तक, मतलब सॉरी कन्याकुमारी इन द सेंस ऑफ तमिलनाडु तक जाएगी। क्लियर, तो तमिलनाडु से नर्मदा मतलब गुजरात, गुजरात से अगर तमिलनाडु तक जा रही है तो कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, ये सारे राज्य बीच में पड़ने हैं। तो सह्याद्री भी 1600 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला है। अब बची सिर्फ और सिर्फ अजंता, दैट इज द राइट आंसर। ये मात्र और मात्र महाराष्ट्र में इसका विस्तार है, अजंता की गुफाएं, केव ऑफ अजंता, आप जानते होंगे। जी हां, अजंता सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। क्लियर, अगले सवाल पे चलते हैं। जी हां, ये रहा आपका सातवां सवाल। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? जी हां, गुरु शिखर वही जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। क्लियर, और यह अरावली पर्वत पर है। कहां पर है? अरावली पर्वत पर। और अरावली पर्वत का विस्तार आपको मैंने अभी अभी बताया, दिल्ली में भी है, उसके बाद राजस्थान में भी है और उसके बाद गुजरात में भी है। तो एक राज्य इसमें से चुन लीजिए, मध्य प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, राजस्थान या गुजरात। तो आपको बता दें ये गुरु शिखर आपके आबू पर्वत पर है। कहां पर? आबू पर्वत। ये वही आबू पर्वत है जिस पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बना हुआ है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्लियर, याद आया होगा आपको। अब तो कंफर्म कर दो भाई लोग कि ये राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में। क्लियर, तो बेसिकली आपके राजस्थान में इसका विस्तार है, आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा जैन मंदिर वहां पर बना है और यह 1722 मीटर ऊंची है।
अगर फीट में इसकी ऊंचाई कभी पूछता है तो 5650 फीट, कितना, ये 1722 मीटर के साथ साथ 5650 फीट ऊंची है। यह अरावली की सबसे ऊंची श्रृंखला है। क्लियर, अगले सवाल पे चलें। लेकिन अगले सवाल पे जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, ये सेशन काफी पुराना हो गया है, काफी दिनों से चल भी रहा है, बट बीच में आप लोगों का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा मिला था, काफी आप लोग शेयर भी करते थे, इसे लाइक भी करते थे, और मैंने टारगेट भी देना शुरू किया था कि मुझे कम से कम 500 लाइक चाहिए। तो नो डाउट आज वो टारगेट फिर आपसे है कि आज से इस पर 500 लाइक कम से कम होने चाहिए और आप इसे परफेक्टली शेयर करेंगे, क्योंकि 85 से 100 पहुंचने में बहुत समय नहीं लगेगा और फिर मुझे मजबूरन ये सेशन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो एफर्ट क्यों करूं जिसको पढ़ने में आपको मजा ना आता हो। तो अगर आपको मजा आता है तो आप खुद भी पढ़िए, अपने फ्रेंड्स तक इसे पहुंचाइए, ताकि मुझे भी अपनी मेहनत का जो है रिस्पांस दिखाई दे कि हाँ इसे लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अगर लाइक शेयर नहीं है तो क्या मतलब है इस सेशन को चलाने का और अतिरिक्त एफर्ट करने का। क्लियर, चलें अगले सवाल पर, मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलते हैं अगले सवाल पर। जी हाँ, ये सेशन का 8वां सवाल है, भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा से कोप कामोरिन लिखा है। जी हाँ, कन्याकुमारी में है वो, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आप इसे कह सकते हैं कन्याकुमारी में है। तो यहां पर इन तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा से, मतलब कृष्णा नदी है कहां, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा एक जगह बनता है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के मध्य, ये कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश, और आपका कोप कामोरिन जिसे आप कहते हैं तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। तो आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु की तटरेखा को क्या कहेंगे, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, मालाबार या कोंकण। क्लियर, तो सबसे पहले हम कोरोमंडल की बात करते हैं, ये कहां से कहां तक है, फिर मालाबार की बात करेंगे, फिर उत्तरी सरकार की बात करेंगे। तो भाई लोग, कोरोमंडल रियल रूप में आपके कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक है, आपका राइट आंसर होगा कोरोमंडल तट। क्लियर, लेकिन और भी है, मालाबार पे चर्चा कर लें, उत्तरी सरकार पे चर्चा कर लें। तो कोरोमंडल के जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, कहां से, इसी कृष्णा नदी के मुहाने से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, महानदी के मुहाने तक। तो कृष्णा से महानदी का मुहाना मतलब आप पहुंच गए आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा के मध्य जो तटरेखा है वो किस नाम से जानी जाएगी, उत्तरी सरकार। मालाबार चलना है तो भाई आपको पश्चिम में आना पड़ेगा, ठीक। मालाबार पश्चिम में है, कहां से, मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक, कहां से, मैंगलुरु से कन्याकुमारी, मतलब वही के कोप कामोरिन वहां तक। क्लियर, कन्याकुमारी तक, यहां तक का तट क्या कहलाएगा, मालाबार तक। अब बचा आपका कोंकण, तो भाई महाराष्ट्र से गोवा घूम लीजिए, कोंकण मिल जाएगा, ठीक। महाराष्ट्र से गोवा का जो तट है वो कहलाता है आपका कोंकण तट। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से कोप कामोरिन तक, तमिलनाडु। यस, ये रहा आपका 9वां सवाल। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। भेड़ा घाट एक बड़ी बढ़िया जगह है, मध्य प्रदेश में है, जबलपुर जिले में है, नर्मदा नदी के किन पर जो है ये स्थल बनाया गया है, बड़ा ही रमणीय है, बड़ा मजा आता है। संयोग से मुझे जाने का अवसर मिला और वहां पर धुआं ही धुआं दिखाई देता है, धुआं आग का नहीं होता, यहां जल इतनी ऊंचाई से उड़ता गिरता है कि वो जल जो है उसके फव्वारे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, और यही कारण है कि इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। तो तीन और हैं, कपिलधारा, दुग्धधारा, चचाई। तो कपिलधारा और दुग्धधारा ये दोनों भी कहां पर हैं, ये दोनों नर्मदा नदी पर हैं और मध्य प्रदेश में हैं। चचाई भी जो है मध्य प्रदेश में है, लेकिन नर्मदा नदी नहीं बल्कि नर्मदा की सहायक बीहर नदी पर ये है। क्लियर, तो ये सारे के सारे जलप्रपात कहां पर हैं, ये सारे के सारे वाटरफॉल मध्य प्रदेश में है, ये सारे तीन कपिलधारा, धुआंधार, दुग्धधारा ये नर्मदा पे है, चचाई बीहर नदी पर है, टोटल के टोटल एमपी में है। और जब पानी की धारा काफी ऊंचाई से गिरती है तो उसी को आप कहते हैं वाटरफॉल, वाटर गिर रहा है। ओके, अगला सवाल और अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। तो दो प्रकार की झीलें आप यहां पर देखते हैं, दो संरचनाएं हैं इसकी, एक निर्माण के आधार पर और दूसरी जल के आधार पर। तो निर्माण के आधार पर एक है कौन सी, प्राकृतिक झील,
और दूसरी है कृत्रिम झील। क्लियर, कृत्रिम तो और दूसरी जल की प्रकृति के आधार पर मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि निर्माण के आधार पर ये कोडाईकनाल जो तमिलनाडु में है वो मानव निर्मित है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है वो मानव निर्मित है, नैनीताल उत्तराखंड में भाई कई झीलें हैं, सातताल यही पाया जाता है वहां पर है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में एक झील है। तो मुझे पता है कि आप ये दो क्वेश्चन, ये दो विकल्प अपने आप काट देंगे क्योंकि आपको पता है आप फंसेंगे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में। तो मैं आपकी रियल आंसर आपको बता देता हूं, कोडाईकनाल ये तमिलनाडु की एक छोटी सी झील है जो मानव निर्मित है। ठीक, तो आपका राइट आंसर होगा कोडाईकनाल। फ्रेंड्स आज का सेशन बस यहीं तक, समय काफ़ी हो चुका है और आपके भी खाने पीने मौज उड़ाने का टाइम है, सारी मस्ती करिए, मौज उड़ाइए, खाइए पीजिए, बट पढ़ाई के साथ साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी करने का आपको अधिकार है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।